महाकाल का धमाके लगाकर सर ठोक लीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू आर? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम क्लास 9 के ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिनको कहते हैं संख्या पद्धत। नंबर में संख्या, सिस्टम में पद्धत, और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? तो आइए देखिए कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है? तो नंबर सिस्टम में आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आइए देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिएगा वन, प्राकृतिक संख्या वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, फोर एंड सो ऑन, मतलब एक से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है? अब आइए देखिएगा पूर्ण संख्या आपका क्या है। पूर्ण संख्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्राकृतिक संख्या वन टू थ्री फोर है, अगर जो इनके साथ हम लोग जीरो ले लें, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, इसका मतलब कि जीरो से अनंत तक लेकर जितनी संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया बच्चों, यानी जीरो से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आपका आता है पूर्णांक। आइए देखिएगा पूर्णांक क्या है। ये जो पूर्णांक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया जाए माइनस माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ठीक है? तो ये देखिएगा यहाँ पे इनके आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर देखिएगा इसके आगे माइनस चिन्ह लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी धनात्मक पूर्णांक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक साथ में जीरो, ठीक है, क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब आपका आता है परिमेय संख्या। आइए देखिए परिमेय संख्या क्या है। देखिए परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, पी अपान क्यू के फॉर्म में इनको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, ये आपका इनका जो हर है, हर मतलब यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आपका परिमेय संख्या तभी होगा जब आपका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू नॉट इक्वल जीरो हो, तब ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है? तो अब वास्तविक संख्या क्या है, आइए देखिएगा इन सभी संख्याओं को, यानी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को या इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में तो कहते हैं रियल नंबर, यानी ये सभी जितने भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है? अब ये मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए, कि कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है? तो एक बार पहले बच्चों एक बार इनको फिर से आप देख लो, फिर हम लोग आगे आपको हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है? पहले देखिएगा प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, नंबर मीन्स होता है नंबर में संख्याएं, ठीक है? यहाँ पे एस लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, यानी जीरो से लेके एक से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिएगा जीरो से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं।
साथ में जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब आपका आता है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं ये अंश अपान हर, ठीक है, इनको अंश अपान हर के रूप में यानी के अपान क्यू के रूप में इनको लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हर का मान जीरो के बराबर ना हो, ठीक है, जीरो के बराबर ना हो तब ये आपका क्या होगा, तब ये आपका प्रमेय संख्या होगा। अब आपका आता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक, सभी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बट काफी कलम लेके आप साथ में बैठिए और उसके बाद आप मेन मेन पॉइंट को नोट करते रहिए। जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। यहां पर देखिए बच्चों, अब जैसे अभी हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ये आपका वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन का मतलब बच्चों इसको हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, देखिएगा ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, इनको कैरेक्टर एन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इसी में अगर जीरो हम लोग इंक्लूड कर दें, जीरो हम लोग इसी में सात में जीरो ले लें, तब ये जो आपका होता है ये आपका कहलाता है होल नंबर। क्या कहलाता है, होल नंबर में पूर्ण संख्याएं, ठीक है। यानी देखिए आर नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, राइट। तो यानी यहां पर देखिएगा जीरो वन टू थ्री फोर ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब यहां पर देखिए अगर जो यहां का ये धनात्मक संख्या हमने लिखा है, अगर जो इसको हम लोग क्या लिखते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है, तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पूर्णांक, और इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इसका मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं साथ में जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा या इंग्लिश में हम लोग इनको कह सकते हैं आर पॉजिटिव इंटीजर एंड आर नेगेटिव इंटीजर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, समझ गए बच्चों। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका रियल नंबर आपका क्या है। तो ये देखिएगा ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यानी ये सभी संख्याएं जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है इन सभी को कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर, इनको वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो उस प्रॉब्लम को तुरंत दूर किया जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज। अभी तक तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या, हम लोगों ने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने स्टडी किया। अब आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए तीन क्वेश्चन आपके सामने है, आइए हम लोग पहले इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या आप इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों, आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं और इनकी एक शर्त होती है,
कि इनका जो हर है वह जीरो ना, यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब इनका कहना है, क्या कहना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए शून्य आपका है, तो शून्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो अपान वन, जीरो अपान टू, जीरो अपान थ्री, जीरो अपान फोर। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो इसका परिमेय संख्या से तुलना कराया जाए तो P का मान क्या मिलेगा बच्चों, जीरो, और Q का मान क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे Q का मान क्या है, Q का मान एक है, मतलब Q का मान जीरो नहीं है, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए P का मान क्या है, जीरो है, Q का मान क्या है, दो है, और इसका मतलब यहाँ भी आपका Q नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। तो ये प्रश्न क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यह शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? यह ठीक है, हम लोग इन्हें P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इनका कहना Q नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि जो आपका परिमेय संख्या है उसका हर शून्य ना हो। तो यहाँ पे देखिए जितने भी परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, इनके हर क्या है, इनका एक है, इनका दो है, इनका तीन है, इनका चार है, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो जीरो एक परिमेय संख्या है और हम लोग इसे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दो का स्टडी करते हैं। आइए देखिए, बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैथ क्या होता है बच्चों, मैथ ये कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से आप लोगों का जो बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप कहने का मतलब क्लियर नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, यहाँ आपको इतने आसान विधि से बताया जाएगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बच्चों, तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। आइए देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इनको ज्ञात करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। आइए हम आपको पहले तो सबसे आसान मेथड बताते हैं, फिर बाद में आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे याद करने के लिए। अब हमें क्या करना है, तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि तीन और चार के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो तीन और चार के बीच में जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बच्चों, एन, एन इक्वल टू क्या होगा, छह। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें छह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एन की वैल्यू हमने क्या मान लिया, एन इक्वल टू छह मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, तो एन प्लस वन कर देंगे, और यहां भी आपका होगा सिक्स प्लस वन हो जाएगा। अब आपका कितना आएगा बच्चों, यहां पर ये आ गया छह, कितना आ गया, सात आ गया। ठीक है, कितना आ गया, सात आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो पहली संख्या दी हुई है इनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इनको ले लेंगे थ्री। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये आपका अगर जो लिखा अपान हम लोग वन लिख दें
तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, यानी किसी भी संख्या में एक से भाग कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो n प्लस वन का मान प्राप्त हुआ है इसी को लेके इनके अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 × 7 हो गया बटे 1 × 3 हो गया 7 हो गया। ठीक है, अच्छा अंश और हर में गुणा क्यों करते हैं, जिससे इनके मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, अब ये बच्चों कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 21, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 7। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा जो नंबर दिया हुआ है 4, इनको हम लोग लिख लेंगे तो ये आपका हो गया 4 और इनको भी अपान 1 हम लोग लिख लेंगे इसी प्रकार। अब यहाँ पर देखिएगा वही काम जो हम लोगों ने यहाँ किया है वही यहाँ भी करना है, यहाँ भी जो एन प्लस वन की वैल्यू मिला है उसी से इनके अंश और हर में गुणा कर देंगे तो 4 × 7 हो गया बटे 1 × कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का 7 में गुणा करेंगे तो आ गया 28 और यहाँ पे 1 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, अब हम लोगों का काम लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें किसके बीच के बीच में ज्ञात करना था, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 जब लिया गया इनका मान क्या यहाँ पर मिला, यानी इनकी जो परमिशन क्या मिला, क्या मिला 21/7, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 21। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख लो 28 लिख लो। ठीक, क्या लिख लो 28। अब देखो 21 है, 21 के बाद की संख्या क्या आएगी 22, फिर क्या आएगा 23, 23 के बाद क्या आएगा 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद क्या आएगा 26, 26 के बाद क्या आएगा यहाँ पे लिख लो 27, फिर ये आपका 28। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका कॉमा कॉमा है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हर समान है ना, इन दोनों का हर क्या है समान, तो सबका बटे क्या कर देंगे बच्चों 7, 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 यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इनको काट दो 7 × 3 = 21 और ये हो गया 7 × 4 = 28, यहाँ पर क्या मिला 3, ये आपका हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये हो गया 4। हमें 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना था ना, कितनी बार भी संख्या 6, तो देखो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 6 पर भी संख्या हम लोगों को बच्चों देखो ज्ञात हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप फिर से समझ लो, हमें 3 और 4 के बीच में 6 पर भी संख्या ज्ञात करनी है, तो दो संख्याओं के लिए इनके बीच जितनी भी परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको हम लोग क्या करेंगे, n सपोज कर लेंगे, n मान लेंगे तो n = 6 हो गया, इसमें बच्चों हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ये आपका n+1 आ गया, n+1 = कितना आएगा 6+1 = आपका आ गया 7। अब क्या करेंगे, आई एम टेकिंग फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को यहाँ पर हम लोग ले लेंगे और फर्स्ट नंबर ले करके ये जो 7 प्राप्त हुआ है n+1 का मान इसी से इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 21/7। इसी प्रकार सेकेंड नंबर ये आपका होगा 4/1 = 4, यहाँ पे भी वही काम करोगे आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे कितना आ गया 28/7 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा क्या मिला 21 और यहाँ 28, 21 से 28 तक की संख्या हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे देखिएगा इनका जो हर है इसी से हम लोग प्रत्येक पद में क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब ये 7 से जब काटेंगे तो 7 + 21 हो गया, यहाँ 7 + 28 हो गया,
तीन और चार के बीच में हमें छह परमेय संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप सभी समझ गए होंगे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका क्या है, तीन बटे पांच और चार बटे पांच के बीच पांच परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया है कि जितनी परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। अरे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, इसमें वन ऐड कर देंगे। एन प्लस वन इक्वल टू फाइव प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया, सिक्स आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को ले लेंगे, फर्स्ट नंबर आपका कितना है, थ्री अपॉन फाइव, ये आपका हो गया तीन बटे पांच। और यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है इसी से इसके आंसर और में गुणा कर देंगे, तो तीन गुणे छः बटे पांच गुणे कितना हो गया, छः। ये क्या मिलेगा, छः त्रिक अठारह बटे क्या मिल गया, छः पचे तीस मिल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, अब ये चार बटे पांच को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो ये आपका हो गया चार बटे पांच, तो चार गुणे यहाँ भी छह से हम लोग इसके आंसर भर में गुणा कर देंगे, तो चार गुणे छह और बटे पांच गुणे छह, ये आपका आ गया चौबीस और बटे कितना आ गया, तीस आ गया। ठीक है बच्चों, आइए अब देखिए हम लोग का काम लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए 18 मिला है और ये 24 मिला है, दोनों का हर क्या है, समान है, तो 18 से 24 की संख्या हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब चूंकि दोनों का हर क्या है, समान है, तो ऐसे हम लोग क्या लिख लेंगे, अपान 13, इनका अपान 13, अपान 13, ये 30, ये भी 30, ये भी आपका 30, ये भी आपका हो गया 30। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप, इनको काट दो, 6 3 18, 6 5 30, इनको भी काट देंगे, 6 4 24, 6 5 30, क्या मिला बच्चों, 3/5 यहाँ मिल गया, और यहाँ पे इनको ऐसे लिख लेंगे 19/30, 20/30, ठीक है, और 21/30, 22/30, ठीक, और ये 23/30, इसी प्रकार ये आपका 4/5। ठीक है बच्चों, तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें पांच परमेय संख्या ज्ञात करना था, तो कितना मिला, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही आसान है ये, तो कहने का मतलब अभी हमने आपको एक मेथड बताया है, हम आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों, ठीक है, तो चूंकि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और ये आप बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा और खूब अच्छे से आप इसको स्टडी करिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा।